मैंने स्प्राउट ले लिए हैं, धनिया, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, कुकम्बर। इधर मैंने पानी रख दिया है गरम, तो इसमें मैं स्प्राउट को ऐड कर देती हूँ। एक कटोरी मैंने स्प्राउट ले लिए हैं, थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। पानी बॉईल हो रहा है तो इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तो उसे बॉईल आने देते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी हेल्दी स्प्राउट्स। बॉईल हो रहे हैं, ड्राई नट्स ले लिए हैं, अखरोट, किशमिश, काजू बादाम, एप्पल और पनीर। इनकी कटिंग कर लेते हैं। वेजिटेबल फ्राइड को बॉईल आ गया तो इसे बंद कर देते हैं। तो मैंने छलनी ले ली है, उसमें मैं इसको ड्रेन कर देती हूँ। तो स्प्राउट को मैंने ड्रेन कर लिया है, तो इसे थोड़ी देर कूल कर लेते हैं। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं, अब स्मॉल स्मॉल पीसेस में लेने की कटिंग कर लेनी है। जैसे कुकम्बर है, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, आपको जो जो पसंद है आप वो सब वेजिस डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी स्प्राउट होंगे, इससे आपकी भूख मिटेगी और आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए इस तरह मैं ना सारे वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेती हूँ। इनको हमने ब्रिक ब्रिक कट लेना है। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जितनी आप वेजिटेबल्स डालोगे इनके। तो चलिए हमने कुकम्बर को कट कर लिया है, तो इस तरह ही मैं बाकी वेजिटेबल्स भी कट कर लूँगी। इसे कुकम्बर कट कर लिया, तो चलिए मैं और वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ। ब्रीक ब्रीक शिमला मिर्च, कैप्सिकम, इसे भी ब्रीक ब्रीक कट कर लें। आपको जितनी नीड है आप कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ब्रीक ब्रीक चॉप करना है। तो मैंने शिमला मिर्च कट कर ली, तो मैं ब्रीक ब्रीक टमाटर, इनको बिल्कुल ब्रीक ब्रीक चॉप करना है। आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है। टमाटर भी चॉप हो गए हैं, इसलिए हम प्याज को कटिंग कर लेते हैं। तो मैं बनाऊंगी हेल्दी स्प्राउट्स। इसे खाकर हमारा एक तो वेट कम होगा और हमारी भूख मिटेगी और हमें एनर्जी भी मिलती है इनसे। तो चलिए अब ले लेंगे एक बाउल। तो मैंने एप्पल को कट कर लिया है, इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। तो टेस्ट सबका बहुत अच्छा था इसमें। मैंने वेजिटेबल्स चॉप कर लिए हैं,
अब ये ड्राई नट्स, इनको भी मैं कर लेती हूँ। ये ड्राई नट्स, इनको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। इसमें है अखरोट, बादाम, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनको भी। साथ में कैशू, और ये किशमिश, इसको ऐसे ही डाल देंगे। अब ये है लेमन, तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक बाउल। मैंने बाउल ले लिया है, तो सबसे पहले इसमें हमने अखरोट को ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें हमने ऐड करेंगे शिमला मिर्च, साथ ही इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन, सिर्फ प्याज, साथ इसमें टमाटर चॉप्ड किए हुए, टमाटो, कोकम्बर, खीरा, और इसमें ऐड करेंगे एप्पल। इसमें ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड की हुई ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देंगे। उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी रेड चिल्ली, और इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो ड्राई नट्स हैं उसे भी ऐड कर देंगे, साथ में जो पनीर के स्लाइसेस इसे भी ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें धनिया, जिसकी खुशबू वाओ, और सबसे खूबसूरत चीज़ है ये दो लेमन, जिन्होंने हमारा फ्लेवर बहुत बढ़ाना है। तो इसे स्क्वीज़ कर देती हूँ मैं, तो मेरी बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरपूर, आयरन, विटामिन्स, मिनरल सबसे स्प्राउट्स रेडी हैं। वो आप चाहें तो इसमें नट्स, पीनट्स वगैरह डाल सकते हैं, पर आज मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं ऐड कर रही। तो चलिए स्प्राउट रेडी हो गए हैं, वो यमी यमी। आप चाहें तो चाट मसाला भी, पर मैं मसाले बस, मेरा स्प्राउट रेडी हो चुके हैं। तो स्प्राउट तैयार हैं, बहुत ही हेल्दी, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यमी। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइए, खाइए, और अपने हेल्थ को दुरुस्त बनाइए, और अपने वेट लॉस की जर्नी में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं, स्प्राउट तैयार हैं। ओह यमी यमी, विटामिन मिनरल से भरपूर, ओह।